अरे खड़े खड़े क्या देख रहे, कुछ करो। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे कोई बचा। नाटक बंद करो तौबा तौबा। ये नन्ना मुन्ना सब पालतू जानवर मेरे लिए है। ले 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 ले। बाबू बाबू ले 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 ले। ये कोई पालतू जानवर नहीं है तौबा तौबा, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और जहरीला जीव है जिसका नाम है जहरालू, और यही होगा बालवीर के ऊपर मेरा अगला वार। ये तो गिलहरी से भी छोटा है, इसके जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो बालवीर पे क्या असर होगा। इस जीव की असली शक्ति तो अभी तक तुमने देखी ही नहीं है तौबा तौबा। है? अच्छा, ऐसा क्या खास है जहरालू में? खुद ही देख लो। कोई तिमना सा, आपके जहरालो तो जन्मों का प्यासा लग रहा है। काललोक का पानी पीकर इसकी शक्तियां जाग रही हैं। ये धीरे धीरे इतना शक्तिशाली और घातक हो जाएगा कि जैसे ही ये बालवीर को काटेगा तो उसके पूरे बदन में लकवा मार जाएगा। नाइस। और पैरालाइज बॉडी में उन दोनों बालवीरों को हम एक इंसेक्ट की तरह क्रश कर देंगे। बालपरे, वैसे इतने सारे फल किसके लिए? और ये बक्सा, इस बक्से के अंदर क्या है? चीकू पीकू चीकू। डूबा डूबा, इस बक्से के अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति है जो बाहर कभी भी नहीं आनी चाहिए। इस जादुई शक्ति का नाम है पिचकू। पिचकू, वाह, कितना मासूम नाम है पिचकू। अरे जिसका नाम इतना पिचका हुआ है वो किसी का क्या बिगाड़ेगा। डूबा डूबा, नाम पे मत जाओ, ये पिचकू जितना मासूम है ना उतना घातक भी है। अरे डूबा डूबा, चलो पिचकू को फल खिलाओ। ये लो खिलाओ। हाँ, खिलाओ। दुपड़ दुपड़। ये खुल ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं खुलेगा। हाँ? मैं खोल देती हूँ। जाओ जाओ खिलाओ। हाँ, खिलाओ। बालपरे, मेरा दिल डर के मारे धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ धपड़। डूबा डूबा, डर को जीतने का एक ही तरीका है, डर का सामना करना, है ना? और वैसे भी मेरे जादू से तो ये नियंत्रण में है, फिर डरने की कौन सी बात है ना? जाओ जाओ खिलाओ। हाँ। खिलाता हूँ। धपड़ धपड़।
पिचको। चीकू पीकू चीकू, चीकू पीकू चीकू, चीकू पीकू चीकू। दबड़ 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 दबड़, बाल परे, ये क्या हो रहा है? चीकू पीकू चीकू। अरे डुबा 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 डुबा, संभालो डुबा डुबा। अरे बाल परे, पिचको, मुझे इस पिचको की सवारी नहीं करने। बाल परे, अरे बचा मुझे बाल परे। पिचको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बहुत शैतानी हो गई, अब तुम्हें बक्से में बंद करना ही होगा। ये जहरालू तो बड़ा भालू बन गया है। मेहमान, अब तुम इस जहरालू को अपने साथ लेकर जाओ और उस बालवीर के ऊपर हमला कर दो। तिमना सा, ऐसा भी तो हो सकता है कि परिया और शौर्य मिलकर बालवीर को ठीक कर दे। नहीं, काललोक का पानी पीकर जहरालू इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वीरलोक का कोई भी जादू उसके ऊपर असर नहीं कर सकता। अरे लेकिन हर ऊंट से ऊंचा कोई पहाड़ तो जरूर होता है, तो ऐसे जहरालू का भी कोई तोड़ होगा। बेशक है, और अब देखना यही है कि शौर्य उस शक्ति का इस्तेमाल करता है कि नहीं। बालपरी, ये लीजिए, आपने मंगाया था ना। अरे बालपरी, ये किसके रोने की आवाज है? अरे ये पिचकू को फिर से भूख लग गई, मैं अपने हिस्से का खाना नहीं देने वाला हूँ इससे। भुक्कर कहीं का। नहीं नहीं डुबा डुबा, ये पिचकू की आवाज नहीं है, ये एक चेतावनी यंत्र की आवाज है जो तुम्हारे सिर पर बज रहा है। हाँ? सर के ऊपर कहाँ है? दबड़ 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 दबड़, बालपरी ये मेरे सर के ऊपर अचानक कहाँ से आ गया? बालपरी मैंने क्या गलती की है? दबड़ 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 दबड़, और इस चेतावनी का मतलब क्या है? इस चेतावनी का मतलब है कि बहुत ही जल्द धरती लोक पर एक भयानक और विषैला जीव आने वाला है। मैं अभी बालवीर और विवान को ये सूचना देकर आती हूँ। दबर, 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 दबर। come on, come on, come on, come on. Nice shot. Well done, Vivan. Four. Aroi. यहाँ भी डाल लो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Come on, Vivan.
विवान, अब मेरी गुगली बॉल मार के दिखाओ। कैच कर। तुम्हें क्या लगा रोई? तुम मुझे गुगली बॉल बोल के यॉर्कर बॉल डालोगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मुझे नर्वस मत करो। अरे यार क्या रिंकू, क्या यार, इतना इजी सा तो कैच था। अच्छा ये भी मेरी गलती। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, वो सन की रेज मेरी आंखों में गुजरी है 30 डिग्री के एंगल से, और जो विंड की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर, इसलिए मैं बॉल नहीं पकड़ पाया। बहाने मत बनाओ रिंकू। अच्छा मैं बहाने बना रहा हूँ? तुम्हें पता है कि हमारी टीम में एक प्लेयर कम है, तो तुम आरफ को क्यों नहीं लाई? क्योंकि आरफ को इंडोर गेम ज्यादा पसंद है, और देखो यहाँ पे कितनी धूप है, अगर मैं आरफ को यहाँ पे लाती वो खेलता कम और बेहोश ज्यादा हो जाता। अरे अच्छा तो ये बहाना नहीं है ना? हाँ ये बहाना नहीं है रिंकू, सारी गलती तुम्हारी है। अरे तो यार कैश तो पकड़ लेना चाहिए, कब तक बोर तो नहीं होता। बालवीर धोनी भाई, विवान क्या बात है धोनी भाई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर हमें चेतावनी यंत्र से ये सूचना मिली है कि बुरी शक्तियाँ किसी विषकारी जीव को धरती पर भेजने वाली है। जरूर ये विषकारी जीव मुझ पर और विवान पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पिछली हार से विचलित होकर रे और भयमार कुछ भी कर सकते हैं। आई एग्री पार्टनर, तो अब इसलिए हमें इन बच्चों से दूर जाना होगा। हाँ धोनी भाई आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से निकलने का कोई बहाना ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। विवान अगली गेंद पर मैं बॉल को गायब कर दूंगा, और हम दोनों उस बॉल को ढूंढने के बहाने यहाँ से दूर चले जाएंगे। ओके चलो 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 रेडी। किसे ढूंढ रहे हो भयमार? हमने सोचा हम क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, इसलिए हम खुद ही यहाँ आ गए, और तुम ही विद्धि से इंसेक्ट लेकर आए हो हमें कटवाने के लिए। विद्धि? हाँ इस विद्धि से जानवर का नाम है जहरालू, और आज ये तुम दोनों को सिखाएगा कैसे छोटा तीर करे चोट गंभीर। वाह आज भयमार भी देसी मुहावरे मार रहा है, और साथ साथ अपना सरप्राइज वेपन भी। Thank you.
विवान और देबू भाई अब तक बॉल लेके क्यों नहीं लौटे? क्योंकि वो दोनों चीटर हैं। दोनों अपनी बैटिंग करके कट लिए यहाँ से। ऐसे मत बोल चिंटू। तो और क्या बोले, वो लोग बॉल लेने गए पिज्जा बनानी है। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है खुशी। चिंटी एक्चुअली इतनी देर में तो पिज्जा ही बन के आ जाता। ओके ओके, मेरे पास बैग में एक एक्स्ट्रा बॉल है, तो जब तक विवान और दीपू भी नहीं आते तब तक हम इससे खेल लेंगे। रिंकू इतनी देर से बॉल थी तो तूने क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम सब की तरह मैं भी तो दीपू भैया और विवान का वेट कर रहा था ना चिंटी। अच्छा अच्छा ओके, अब चलो बैग में से बॉल निकाल दे, गेम स्टार्ट करते। पहले मैं बैटिंग करूंगा। बॉल मेरी है, मैं पहले बैटिंग। अरे तो बैट से एक ही है ना, बैट नहीं है। मैं बैटिंग करूंगा। अरे कौन हो आप लोग और हमारे क्रिकेट मैच के बीच में आप अपनी F1 वाली कार क्यों ले? ए, चुप। सुनो शेठ बुला रहे हैं। ये कौन है? अरे ऐसा लग रहा है फास्ट फूड की पूरी दुकान यहाँ आ गई है। हाँ, इसके सामने तो मैं भी माल लदेश लग रहा हूँ। मूर्खों को तो ये भी नहीं पता जिससे ये लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक आंखों का धोखा है, असली जहरालू तो ये हैं बब्बन सेठ और इनसे पहले एंट्री मारता है इनका पेट। तो अपने सेठ से बोलिए कि अपनी पेट की जो पार्किंग है ना वो कहीं और कीजिए क्योंकि यहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। हाँ। Thank you.
बहुत खेद है कि इस ग्राउंड पर बच्चे अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड मैंने खरीद लिया है। क्या? यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ, और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना भैया ये क्या हो रहा है आपको? भैया आप फिक्र मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। भैया आप ठीक हो जाओगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.